इसमें मैं के कैसे टॉप देख रहे हैं हमारे चैनल के कैसे नैट एंड टेक्निकल्स तो आज हम फिर फिल्मोरा के वीडियो एडिटिंग कोर्स में हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में देखते हैं सबसे पहले आप फिल्मोरा ओपन कर लें यहाँ से फिल्मोरा ओपन कर लिया हूँ तो आज हम देखेंगे कि आपकी मतलब एक फिल्मोरा के अंदर आप कैसे अपना एक वीडियो फाइल ऐड करेंगे ठीक है वीडियो फाइल सबसे पहले मैं मैं सब चीज़ें बेसिक से आपको स्टार्ट समझाते जाऊँगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो तो आज जब आज हम देखेंगे कि कैसे हम फिल्मोरा के लाइब्रेरी में अपने वीडियो फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं ठीक है इसके बहुत सारे टाइ मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने वीडियो फाइल को आज को आज मैं आपको वीडियो फाइल को इंपोर्ट करना सिखाऊंगा और उसके ट्रैक्स के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दूंगा ठीक है तो इंपोर्ट करने के लिए आपके पास एक तो फाइल के ऑप्शन जो है यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हो फाइल जो म्यूनी है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पास इम्पोर्ट मीडिया है आप यहाँ से इम्पोर्ट मीडिया फाइल यहाँ पे क्लिक करके आप इम्पोर्ट कर सकते हो ठीक है यहाँ भी डायरेक्ट लोकेशन दे देगा आपको आप जहाँ 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 से आप, आपका जो वीडियो फाइल होगा वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं ठीक है ठीके? एक मेथड तो ये हो गया देन अगेन आप यहाँ से देखिए यहाँ इंपोर्ट लिखा हुआ है इंपोर्ट के ऊपर जो यहाँ पर डाउनलोड दिया है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप इंपोर्ट मीडिया फाइल यहाँ से भी आप फाइल को मतलब इम्पोर्ट कर सकते हो जो भी आपका वीडियो फाइल रहेगा ठीक है ठीके? और यहाँ पर देख रहे हो जो भी एक स्लेटी कलर के यहाँ पर आपको दिख रहा है कलर इसके ऊपर भी आप क्लिक करके यहाँ पर एक फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हो तो मैं यहाँ पर दो फाइल इंपोर्ट कर लूँगा ठीक है एक के वाली फाइल इंपोर्ट कर लूँगा और एक कोई भी एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ जैसे ए वाली फ़ाइल ठीक है दो फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं अपने आ, फ, फिल्मोरा के लाइब्रेरी में ठीक है यहाँ पर जो जो भी चीज़ आप इंपोर्ट करोगे यहाँ पर आपका दिखाई देने लगेगा देख सकते हैं यहाँ पर दो फाइल है आपके पास अभी दोनों सेलेक्टेड थे मैंने अभी डिससेलेक्ट कर दिया ठीक है आप जिसके ऊपर क्लिक करोगे वो सिलेक्टेड हो जाएगा जिसके ऊपर आप हटा दोगे तो डिससेक्टेड हो जाएगा इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सलेक्टेड हो गया ठीक है तो सबसे तो इसको डिलीट कर लेता हूँ वो सिलेक्ट हो गया आप सिंपली यहां से डिलीट बटन पर क्लिक कर दीजिए ठीक है तो यहाँ से हमारा वीडियो आ गया हमारी फिलभोरा की लाइब्रेरी में ठीक है ऐसे ही आपको कोई भी वीडियो फाइल है उसको इंपोर्ट करना है ठीक है अब इसको हमें चलाना कैसे पड़ेगा ये, ये जो आपका यहाँ पर मैंने एक सेक्शन बताया था आपको प्ले बार ठीक है ये प्ले सेक्शन है किसी भी वीडियो के चलने का ठीक है इसके ऊपर मैंने बताया था कैसे आपको क्लिक करके आपको यहाँ से पाउज बटन पर स्टार्ट करना है प्ले करना है फिर स्टॉप करना है यहाँ से आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं यहाँ से आप साउंड को और इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने वीडियो के ठीक है हर चीज़ें मैंने बताई हुई थी मेरा प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक वीडियो को आप ये वीडियो तभी चलेगा जब आप इस वीडियो को यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे यहाँ पर ठीक है टाइम लाइन पर आपको करना पड़ेगा जहाँ पास आपके ट्रैक्स होंगे आइडियो वीडियो एंड टैक्स के ठीक है तो यहाँ पास आप कहा कि जनरली एक वीडियो को यहाँ से उठाइए और यहाँ पर ट्रैक कर दीजिए ठीक है तो देखिए यहाँ पास आपका यहाँ ये वीडियो आ गया है तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग आप अरेंज कर ले जहाँ इसे आप चाहते हैं ठीक है इस जहाँ पास आप इसे लेना चाहते हैं यहाँ पास मैंने कर लिया ठीक तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वीडियो आ गया है ठीक है मेरा वीडियो आ गया तो यहाँ पर देखिए वीडियो भी यहाँ पर प्ले होने के लिए यहाँ पर रेडी हो गया है ठीक है क्योंकि मैंने क्या कि यहाँ से उठाकर मैंने ट्रैक करके ड्रॉप कर दिया टाइम लाइन पर ठीक है तो वीडियो यहाँ पर मेरा दिखाई देने लगा है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर जो ट्रैक्स है यहाँ आइडियो और वीडियो दोनों के ट्रैक्स है मैं बताऊँगा कि कैसे आगे स्प्लिट वगैरह करते हैं इसको ठीक तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने इस वीडियो को ट्रैक को ठीक है देख सकते हैं जूम इन कर रहा हूँ तो देखिए इस वीडियो का जो इमेजेस है वो दिखाई दे रहा है आपको मल्टीपल इमेजेस तो इसी तरह आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने ट्रैक्स को ठीक है वीडियोज़ के ट्रैक्स को यहाँ से भी आप कर सकते हो यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो ठीक तो मैं सिंपली छोटा सा तो जूम इन कर लेता हूँ और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो चलने लगेगा देखिएगा ठीक है आप किसी भी जो वेबसाइट्स हैं जो फ्री फ्री लेंथ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फुटेज डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ से इमेजेस निकालिए देन आप इसका यूज़ कीजिए ठीक है कमर्शियल भी आप यूज़ कर सकते हैं इसका जो जो फ्री जो एट्रीब्यूट्स आपको मिलेगी दी फ्री तो आप उस वीडियो को यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोज़ में ठीक है तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको इम्पोर्ट करना आप समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में यदि हमारा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में तब तक के लिए गुड बाय